इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। लखनऊ मुख्यमंत्री ने जवान सुभाष चंद्र को दी है श्रद्धांजलि। जम्मू और कश्मीर में शहीद हुआ था सेना का जवान। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवान सुभाष चंद्र को दी श्रद्धांजलि। वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जम्मू और कश्मीर में शहीद हुआ था सेना का जवान। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें, इतना ही नहीं, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवान सुभाष चंद्र को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू और कश्मीर में शहीद हुआ था सेना का जवान। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवान सुभाष चंद्र को दी है श्रद्धांजलि। जम्मू और कश्मीर में शहीद हुआ था सेना का जवान। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर किया गया है ये पोस्ट। सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में गुमराह किया, मायावती ने पोस्ट में लिखा। संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किया। पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया। प्रतिपक्ष का नेता बनाने में उनकी उपेक्षा की गई। जी हां, सपा में पीडीए के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर किया गया पोस्ट। सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में गुमराह किया, मायावती का बड़ा बयान। संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किया। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष सपा की तरफ से चुने जाने के बाद मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, प्रतिपक्ष का नेता बनाने में उनकी उपेक्षा की गई। सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर किया पोस्ट। सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में गुमराह किया। संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किया। पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया। जी हां, यहां पर मायावती ने सपा पर इल्जाम लगाया है कि पीडीए को गुमराह किया गया है। आगे उन्होंने लिखा है, सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर उन्होंने पोस्ट किया।